अगर आपका गाड़ी का पिकअप कम हो गया है, पिकअप लेने का समय कोई हिचिंग साउंड आ रहा है, कभी ब्लू स्मोक, कभी व्हाइट स्मोक, कभी ब्लैक स्मोक भी आ रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं मेरा इंजन का ज़्यादा नुकसान हो गया है। ऐसा तो नहीं है, उसका पीछे टर्बोचार्जर का कुछ हाथ है। तो चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंजन का टर्बोचार्जर लेके, जो कि एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट इंजन का, जिसके द्वारा हम इंजन का पावर भी बढ़ा सकते हैं। तो टर्बोचार्जर में क्या खराबी होता है और क्या सिम्टम है जिसके द्वारा हमको पता चलता है कि ये टर्बोचार्जर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो जैसा मैंने आपको सिम्टम्स बताया, ये सिम्टम्स के अनुसार क्या क्या प्रॉब्लम होता है टर्बोचार्जर में, वो पूरा डिटेल्स डिस्कस करेंगे। पहला नंबर है कि मान लो आपको गाड़ी का हाई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यानी गाड़ी का पिकअप बराबर नहीं बन रहा है, तो उसका पीछे भी टर्बो कारण हो सकता है। तो फर्स्ट तो आप टर्बो खोल के चेक नहीं करेंगे, पहले आप मैप सेंसर को चेक करेंगे। सपोज आपका मैप सेंसर कह रहा है कि हमारा जो बूस्ट प्रेशर है वो बिल्कुल सही है, फिर भी हमारा इंजन पिकअप नहीं ले रहा है, तो उसका पीछे दो तीन रीज़न भी हो सकता है। एक है टर्बोचार्जर, दूसरा टर्बोचार्जर वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी एंड अदर्स फ्यूल पार्ट अलग हैं। तो टर्बोचार्जर रिलेटेड क्या होता है, एक है हमारा टर्बोचार्जर प्रॉपर इंजन को बूस्ट नहीं कर रहा है। सपोज मैप सेंसर कह रहा है कि हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर जो काम कर रहा है वो सेंस कर रहा है कि हमारा एयर इंटेक मैनिफोल्ड में एयर प्रेशर कम है, तो इसका मतलब क्या है, टर्बोचार्जर आपको बराबर प्रेशर बूस्ट नहीं कर रहे हैं। तो बूस्ट नहीं करने के पीछे एक कारण हो सकता है कि आपका एयर फिल्टर काफ़ी जाम हो गए हैं, तो इसका चलते टर्बोचार्जर बराबर एयर खींच नहीं पा रहा है। सेकेंड है कि टर्बोचार्जर में वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी नॉर्मली रहता है सभी इंजन में। अगर वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी है उसमें समटाइम क्या होता है, टर्बोचार्जर का जो वेस्ट गेट का जो लिंकेज है वो लिंकेज बेंड होने के कारण गेट हमेशा खुला रह जाता है, और अंदर का जो वाल्व है वो कभी हीट से बेंड हो जाता है या कभी हीट से वो टेढ़ा होने के कारण क्या है, हमेशा वाल्व खुला रहता है। खुला रहने से क्या, आपका वेस्ट जो गैस है जिसको जो टर्बो को घुमाते हैं वो कुछ गैस अपने आप बाहर चले जाते हैं, जाने से जैसे आप कभी चढ़ाई पे जा रहा है तो उस समय आपको पिकअप नहीं मिलेगा, जब गाड़ी में मैक्सिमम ज़्यादा लोड रहेगा उस समय आपको पिकअप नहीं मिलेगा, बट नॉर्मली खाली गाड़ी या आपको नॉर्मली पैसेंजर कार जो है जब लोड कम रहेगा उस। और दूसरा है कि टर्बोचार्जर का जो इंपेलर और टर्बाइन व्हील है, ये दोनों व्हील में अगर ज़्यादा प्ले हो गया या व्हील का जो फिन्स है वो फिन्स बेंट हो गया कोई कारण से, तो आपको बराबर सफिशियंट एयर वो सप्लाई नहीं कर पाएगा इंजन में, सो आपका इंजन में लो पिकअप का प्रॉब्लम बने रहेगा। सेकेंड सिम्टम है कि इंजन से ब्लैक स्मोक आ रहा है। ब्लैक स्मोक सुनते हम हमेशा समझ जाते हैं कि इंजन में आपको फ्यूल जो है ज़्यादा बर्निंग हो रहा है और एयर जो है वो कम जा रहा है। तो ब्लैक स्मोक का पीछे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो ब्लैक स्मोक क्यों बनता है, यानी इसका जो एयर सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रहा है, एयर सप्लाई बराबर नहीं हो रहा है, उसका पीछे क्या क्या कारण है ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि ब्लू स्मोक आ रहे हैं। ब्लू स्मोक आने के पीछे सब नॉर्मली समझते हैं कि इंजन में कुछ खराबी आ गई, यानी इंजन का जो पिस्टन लाइनर जो है वो लाइनर ज़्यादा वायर्ड हो गया है, पिस्टन रिंग ज़्यादा वायर्ड हो गया, उसके चलते इंजन ऑयल को पिक कर रहा है आपको कंबशन चेंबर में एंड वहाँ पे जलने के बाद आपको जा रहा है ब्लू स्मोक। बट ब्लू स्मोक होने के पीछे ये भी कारण है कि कभी कभी देखा गया या मैं खुद ही मिला कभी कभी टर्बो का खराब होने के कारण भी ब्लू स्मोक होता है। कैसे, सपोज आपका इंजन में ब्लू स्मोक है, आप तो डायरेक्ट टर्बो या कोई कंपोनेंट को नहीं खोलेंगे, फर्स्ट आप इंटेक मैनिफोल्ड का जो होस कनेक्शन है या इंटेक मैनिफोल्ड का पाइप कनेक्शन खोल के देखेंगे वहाँ पे कुछ ऑयल क्वांटिटी है कि नहीं है। अगर पाइप के अंदर कुछ ऑयल है तो आप इंटरकूलर चेक कीजिए। सपोज अगर पाइप के अंदर ऑयल है तो 100% श्योर है कि आपके इंटरकूलर में ऑयल रहेगा। इंटरकूलर में ऑयल कहाँ से आता है, वो आता है आपको टर्बोचार्जर से। सो टर्बोचार्जर कब ऑयल फेंकते हैं, ऑलरेडी आप जानते होंगे टर्बोचार्जर में टर्बो का जो सेफ्ट है, सेफ्ट के लुब्रिकेशन के लिए ऑयल कनेक्शन रहते हैं। जब सेफ्ट का जो बूश है या ऑयल सील है जो कट जाता है, ज़्यादा प्ले हो जाता है सेफ्ट, तो टर्बोचार्जर का जो इंपेलर व्हील है वो एयर सर्च करते करते ऑयल भी उसके साथ भेज देता है आपको इंटरकूलर तरफ। तो जब ऑयल भेजते हैं आपको एयर के साथ, तो वो ऑयल कंबशन चेंबर में बर्निंग होने के बाद आपको ब्लू स्मोक दे सकता है। सो यहाँ पे टर्बो का प्रॉब्लम है। तो इस सिम्टम से आपको पता लग सकता है कि मेरा टर्बो चेक करना जरूरी है या टर्बो में प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड फाइनली पॉइंट है कि हिसिंग साउंड। कभी कभी आप देखते होंगे जब सडन आपको एक्सेलरेशन लेते हैं तो उस समय हिसिंग साउंड आता है, जब गाड़ी कंटिन्यूअस चलते है उस समय नहीं आता है, फिर अब सडन एक्सेलरेशन के समय में हिसिंग साउंड आता है। तो हिसिंग साउंड कहाँ से आता है, ये आपको टर्बोचार्जर से आता है हिसिंग साउंड। तो आप सोचते होंगे टर्बोचार्जर से कैसे हिसिंग साउंड आता है, उसके पीछे दो कारण हैं। जैसा शुरुआत में मैंने बताया, कभी टर्बोचार्जर जो इंपेलर व्हील है वो
एक्सेस क्वांटिटी एयर आपको खींच रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी एयर खींच रहा है ताकि इंजन में उसको सप्लाई करना है, बट उसका मिल ही नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पे एयर फिल्टर चोक है या एयर फिल्टर जम है। तो उसके चलते टर्बो का जो डिमांड पूरा नहीं हो रहा है, तो वो एक हिसिंग साउंड क्रिएट करते हैं ताकि उसके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट होता है उसके द्वारा हिसिंग साउंड क्रिएट होता है। सो जब भी आप हाई एक्सलेशन करते हैं हिसिंग साउंड आता है, इसका मतलब वो टर्बो से आ रहा है और उसका कारण यह है कि फिल्टर जाम हो सकता है। एंड दूसरा है कि टर्बो में हिसिंग साउंड आने का कारण है कि जब इंपेलर व्हील और टर्बाइन व्हील कुछ कारण से उसका जो फिन्स है वो बेंड हो जाता है और शेफ्ट में प्ले आने के कारण टर्बो चार्जर का जो बॉडी है उसके साथ घिसते हैं। तो जब हाई एक्सलेशन होता है उस समय प्ले ज़्यादा रहता है या एक ओवरवेलिंग के कारण वो ज़्यादा घिसने के कारण हिसिंग साउंड आते हैं। सो टोटल दो रीज़न है, एक फिल्टर जाम और दूसरा कि आपको इंपेलर और टर्बाइन व्हील का जो फिन्स है वो फिन्स जाम होने के कारण हिसिंग साउंड क्रिएट होते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, कभी आपने देखे होंगे जो व्हाइट स्मोक भी गाड़ी में आता है। व्हाइट स्मोक नॉर्मली आपको इंजन कूल जब रहता है ज़्यादा उस समय व्हाइट स्मोक आते हैं, जब ऑपरेटिंग टेम्परेचर बिल्डअप हो जाता है उस समय व्हाइट स्मोक बंद हो जाता है। बट कंटिन्यूस एक व्हाइट स्मोक आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है जैसा मैंने पहले बताया इंटरकूलर में ऑयल मिलता है, कभी कभी इंटरकूलर में आपको कूलेंट और पानी भी मिलता है, वो भी टर्बो से ही आते हैं। आजकल के गाड़ी में आप देखे होंगे टर्बो बहुत हाई स्पीड में घूमते हैं, इसके लिए उसको लुब्रिकेशन के लिए कूलेंट कनेक्शन भी दिया जाता है। सिमिलरली जब आप शाफ्ट में प्ले हो गए या कूलेंट कनेक्शन कहीं भी कूलेंट लीकेज होके जब कंप्रेसर व्हील उसको पंप करते हैं एयर के साथ, तो कूलेंट भी वहाँ से लीकेज होके आपको जाता है डायरेक्ट इंजन का कंबशन चेंबर में। सो आप इजीली समझ जाते होंगे जब कंबशन चेंबर में कूलेंट बर्न होगा तो व्हाइट स्मोक आना निश्चित है। तो ये बहुत सारे रीजन और ये बहुत सारे सिम्टम जिसके द्वारा आप इजी समझ सकते हैं मेरा टर्बो में प्रॉब्लम है कि नहीं है। और टर्बो कैसे चेक करते हैं और उसका व्हील किस तरह का अरेंजमेंट रहता है, तो ये सारे चीज़ जानकारी के लिए बने रही हमारा चैनल के साथ। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिला होगा। तो ये सब सिम्टम से द्वारा हमको पता लग सकते हैं टर्बो में कुछ खराबी है कि नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि ये सब इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।